और बेल आइकन दबाएं। शाम के टाइम हमारी पुलिस पूरे शहर में चेकिंग कर रही थी, तो मुखबिर की सूचना पे हम लोग एक गांव के तस्कर के पीछे लगे हुए थे। तो इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ने गांधी समाधि के पास एक गाड़ी नोटिस करी जो सस्पिशियस फ्रेम मूव कर रही थी, जिसकी सूचना हमारे पास थी, तो उसका पीछा किया। तो जब इस रोड पे आए, ये कोसी नदी के कच्चा रास्ता है, तो उन्होंने गाड़ी, आप देख सकते हैं, पेड़ में टक्कर मारी, और जब पुलिस ने इनको ललकारा तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी, उसका नाम शेर जामा है, जिसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। साथ में उसके दो साथी थे जो मौके से भागे, पुलिस ने चेस करके कॉम्बिंग करके उन्हें भी अरेस्ट कर लिया है। उनके नाम है नौमान और परवेश, दोनों भी सिविल लाइन्स थाने पर ले जाए गए हैं। इसमें एक हमारा सिपाही है, उसको बाजू में इंजरी हुई है, उसको भी इलाज के लिए हमने हॉस्पिटल भेज दिया। सर, कितने बदमाश थे इस गाड़ी में? टोटल 3 बदमाश थे, उनके पास से अवैध असले भी बरामद हुए हैं, एक पिस्टल और 2 तमंचे। और साथ में आप जैसे देख सकते हैं गाड़ी में अभी एक जानवर भी है, सफ़ेद जानवर है, तो अभी हम इसको थाने पर ले जाएंगे। कितने राउंड गोलियाँ चलाई हैं? करीब 5 राउंड उनकी तरफ से फायर हुआ था, पुलिस ने जवाबी फायरिंग में भी 5-6 राउंड फायरिंग करी है। अभी हम लोग उसको काउंट भी कर रहे हैं कितने खोखे उन्होंने फायर किए हैं। साथ में जो पिस्टल थी जिससे फायर हुआ था, वो मौके पे मिल गई, सील हो गई, और जो 2 अरेस्ट हुए उनके पास तमंचे भी मिल गए। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी? जो मेन जिसके पैर में गोली लगी है, उसके ऊपर करीब 12-13 मुकदमे हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री और निकाल रहे हैं, हमारे जनपद की भी और आसपास के जनपदों की भी, और बाकी जो 2 हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री। दूसरी चीज, जो गाड़ी को सर्च किया है अभी, तो अभी फिलहाल में क्या क्या मिला है? अभी इसके अंदर एक गौवंशीय जानवर है, उसको अभी खोला नहीं है क्योंकि बिदल सकता है, थाने ले जाके इसको प्रॉपरली खोलेंगे। साथ में गाड़ी को जब उसको खोलेंगे तो और तलाशी लेंगे, और कोई इसमें लीगल सामान। कई नंबर प्लेट्स भी हम देख रहे हैं, नंबर प्लेट्स 4 नंबर प्लेट मिली हैं, फर्जी नंबर प्लेट है, उन्हें भी सील कर दिया गया।